हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक और अमेजिंग सा वीडियो, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले एक बहुत ही वीडियो वायरल हुई थी कि लेस और कुरकुरे वगैरह में प्लास्टिक है और उसको उन्होंने जलाकर बताया था। तो हम भी वो कर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर प्लास्टिक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है लेस अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर। तो सबसे पहले हम इसे ट्राई करते हैं। यह लेस है, टेस्टी है भाई। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर वो कुछ इस तरह से इसको जला रहे थे। और ये कुछ इस तरह से वो चिप्स जल रही थी और इसके अंदर ये कुछ चिपचिपा सा निकल रहा, तो वो उसको बोल रहे थे प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, जितने भी खाने की चीज़ें होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और जिस चीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीज़ बर्न होती है। बर्न होने के बाद जो चिपचिपे सी चीज़ निकलती है वो होती है स्टार्च। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। बिंदास खाओ और मज़े करो। इसी तरह से हम इस टेढ़े मेढ़े को भी जला कर देख लेते हैं। कुरकुरे जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस खाने की चीज में कार्बोहाइड्रेट होगा वो जलेगी। तो ये भी जल रही है। और जलने के बाद यहाँ पर कुछ चिपचिपा सा निकलता है, लोग उसको प्लास्टिक बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, वो प्लास्टिक नहीं है, वो स्टार्च है। और खाने की जो भी चीज होगी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह रहता ही है। हाँ, बस इसके अंदर फैट है, प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद वो कुछ इस तरह से इसको ऐसा तोड़ के बता रहे थे कि प्लास्टिक है, मगर इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, ये स्टार्च है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जो भी खाने की चीज़ें होती जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट है उसे हम जलाएंगे तो वो जलेगी। जैसे हम आलू को घिस कर उसकी चिप्स बनाएंगे घर पर और उसको तल लें, उसको जलाएंगे तो वो भी जलेगी। उसके बाद में जो रोटियां होती है, रोटियों को सुखाकर हम उसे जलाएंगे तो वो भी जलेगी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फ्रेंड्स, फालतू की बातों पर ध्यान ना दें, खाएं इसे मगर लिमिट में खाएं, क्योंकि इसके अंदर फैट है जिसके कारण वेट बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। खाएं मगर लिमिट में खाएं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह कर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।